एक रूम में हम एक बच्चे को कैद देखते हैं जो कि असल में क्रिएचर से इन्फेक्टेड होता है तो वो एक लड़की जिंजर के शोल्डर पर बुरी तरह से काट लेता है और वो बच्चा कैसे इन्फेक्टेड हुआ अब इसी के साथ ही हम जिंजर और उसकी बहन ब्रिजिट को देखते हैं ये दोनों बहनें अपने घोड़ी पर बैठ कर कहीं पर जा रही होती है लेकिन एक जगह पर पहुँचने के बाद वो अपना रास्ता भूल जाती है इसीलिए वो वहीं पर बने एक हट के पास रुकती है जहाँ जाकर वो देखती है की हट की हालत काफी खराब है और अंदर बहुत सारा खून भी पड़ा हुआ है और तभी अचानक से एक बुढ़ी औरत वहाँ पर आ जाती है और वो इन दोनों बहनों को दो लॉकेट्स देती है साथ साथ वो ये भी कहती है कि उस लड़के को मारो ताकि एक बहन दूसरी को न मारे अब यहाँ पर ये बात उन दोनों बहनों को समझ नहीं आती लेकिन अब क्योंकि दिखने में वो औरत रिलीजियस लग रही थी इसीलिए वो दोनों इसकी बात सुनकर उन लॉकेट्स को पहन लेती है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है लेकिन तभी उन्हें कुछ क्रिएचर्स की आवाजें आने लगती है जिन आवाजों को सुनते हुए इनका घोड़ा डर जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है फिर वो घोड़ा वहाँ से भाग जाता है अब जिंजर और ब्रिजिट उसके पीछे भाग ही रही होती है कि तभी ब्रिजिट का पाओ एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाती है अब जिंजर उस ट्रैप को हटाने की काफी कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब ही रहती है जिंजर ब्रिजिट को वहीं पर रुकने का कहकर हेल्प ढूंढने के लिए जाती है और इतनी ही देर में वहाँ पर एक हंटर आ जाता है और वो ब्रिजिट के पाओ से उस ट्रैप को निकाल कर उसे आजाद करता है और फिर ही उन दोनों बहनों को अपने साथ एक किले में ले आता है वो किला बिल्कुल जैसे तबाह हो चुका था और उसकी एंट्रेंस डोर पर हम क्रिएटर के नेल्स के निशानों को भी देखते हैं वो हंटर उन दोनों को किले में छोड़ कर वहाँ ऐसी चला जाता है अब ब्रिजिट को जख्मी देकर उन सभी को यही लग रहा था की कि उसे किसी क्रिएचर ने काट कर इन्फेक्टेड कर दिया है लेकिन ब्रिजिट कहती है की नहीं मुझे किसी क्रिएचर ने नहीं काटा बल्कि मेरा पाँव बेट्रैप में फंस गया था तब ये बात कन्फर्म करने के लिए उस किले का चीफ ब्रिजिट को वहाँ के डॉक्टर के पास ले जाता है तो वो डॉक्टर कंफर्म करने के लिए उसके जख्म पर लीच जिसे जोंक भी कहा जाता है उसे छोड़ देता है लेकिन वो लीच ब्रिजिट का खून नहीं पीती जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ब्रिजिट इन्फेक्टेड नहीं है इसके बाद किले का एक लड़का जिंजर और ब्रिजिट को एक रूम देता है ताकि वो वहाँ पर रह सके रात के टाइम डिनर के बाद हंटर और चीफ के बेटे में लड़ाई होने लगती है लेकिन कुछ देर बाद उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है उसी रात जिंजर जब सो रही होती है तो अचानक से उसकी आँख खुल जाती है तो इसीलिए वो किले में घूमने लगती है और वो किले को एक्सप्लोर करने लगती है तब इसी दौरान उसे एक बच्चा रूम में कैद मिलता है तब जिंजर चेक करने के लिए उस बच्चे के पास जाती है लेकिन सरप्राइजिंगली वो बच्चा क्रिएचर से इन्फेक्टेड था और वो अचानक से जिंजर के शोल्डर पर बुरी तरह से काट लेता है इसका मतलब ये है कि जिंजर भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी तब जिंजर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है लेकिन गलती से वो दरवाजा बंद करना भूल जाती है जिससे वो बच्चा उस कैद से निकल कर वहाँ ऐसी भाग जाता है अब ये इन्फेक्टेड बच्चा आखिर था कौन और इसे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा गया था इसके बारे में हम आगे जानेंगे अब जिंजर वहाँ से निकल कर सीधा अपने रूम में जाती है वो अपनी बहन ब्रिजिट को भी जगा देती है तब वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही वो किले का दरवाजा खोलती है तो उनके सामने चीफ का बेटा आ जाता है और उनसे कहता है की तुम ऐसे ही यहाँ ऐसी बाहर नहीं जा सकती और तुम इस दरवाजे को भी नहीं खोल सकती क्यूँकी इस दरवाजे को खोलना मना है अब चीफ का बेटा उनसे फाइट करने लगता है क्यूँकी उसे लग रहा था की जिंजर और ब्रिजिट ये दरवाजा खोल कर क्रिएचर्स को अंदर आने देना चाहती है लेकिन असल में वो तो यहाँ से भागना चाहती थी तब चीफ का बेटा अपने एक आदमी को कहता है कि ये दोनों हमारे दुश्मन हैं इसीलिए इन्हें यहाँ से ले जाकर कहीं पर बंद कर दो तो वो आदमी जिंजर और ब्रिजिट को क्रिएचर के रूम में बंद कर देता है इसके बाद जब वो क्रिएचर इन पर अटैक करने वाला होता ही है कि तभी हंटर इस क्रिएचर को मार कर उन दोनों की जान बचा लेता है लेकिन भागते टाइम जिंजर ने किले का मेन डोर ओपन कर दिया था जिसमे से अब बहुत सारे क्रिएटर अंदर आ जाते हैं और बहुत सारी बुलेट्स जाया करने के बाद ये सिर्फ एक क्रिएचर को ही मारने में कामयाब हो पाते हैं जिसे देख बाकी क्रिएचर डर कर वहाँ भाग जाते हैं लेकिन किले के ले तेईस लोगों को उन्होंने मार दिया था साथ साथ उन क्रिएचर ने एक लड़के को इन्फेक्टेड भी कर दिया था तो इसीलिए डॉक्टर जिंजर और ब्रिजिट के सामने ही उस इन्फेक्टेड लड़के को शूट करके मार देता है जिसे देख कर जिंजर काफी डर जाती है क्यूँकी अब वो भी तो इन्फेक्टेड ही थी अब ये देख कर वो किसी को ये बात बता भी नहीं सकती थी इसीलिए अब वो दोनों बहनें चुपचाप अपने रूम में चली जाती है इसके बाद हम देखते है की लोगो ने एक क्रिएचर को मार दिया होता है और वो क्रिएचर असल में पहले इन लोगों का साथी हुआ करता था था और इसी किले में उन लोगों के साथ रहता था लेकिन बाद में वो क्रिएचर बन गया इसीलिए इन्होंने उसे मार दिया यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो छोटा बच्चा जो इन्फेक्टेड जिसने जिंजर के शोल्डर पर काट लिया था वो असल में यहाँ के चीफ का बेटा था क्योंकि उसकी वाइफ को क्रिएटर ने मार दिया था और उसके बच्चों को इन्फेक्टेड कर दिया था लेकिन यहाँ पर चीफ ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी कि उसने अपने इन्फेक्टेड बच्चे को कमरे में बंद करके रखा हुआ है इसके बाद चीफ जब उस रूम में जाता है जहाँ पर उसका बेटा था तो वो देखता है की उसका बच्चा वहाँ से गायब है तो इसीलिए यहाँ पर वो समझ जाता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जिंजर और ब्रिजिट ने किया है क्योंकि उस रूम में उसे जिंजर का लॉकेट पड़ा हुआ मिलता है उधर कमरे में जिंजर को कुछ रीजन आते हैं जिसमे की वो उस हंटर के साथ होती है लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो उसकी पूरी बॉडी खून ऐसी भरी होती है और ये खून उस बच्चे के काटने वाली जगह ऐसी आ रहा था साथ साथ जिंजर की तबीयत भी अब खराब होती जा रही थी क्योंकि उसे काफी तेज फीवर था उधर किले में सारे लोग अपने साथियों का फ्यूनरल कर रहे होते हैं उनका फ्यूनरल सबको क्रिएटर्स ने मारा था जब रूम में ब्रिजिट नहीं होती तो जिंजर से मिलने वही बच्चा आता है जिसने उसे काटा था यानी कि चीफ का बेटा और वो जिंजर को बताता है कि मैं अपनी मदर को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही है ये कहने के बाद वो बच्चा वहाँ से चला जाता है रात के टाइम चीफ और ब्रिजिट का आमना सामना होता है और वो ब्रिजिट को कहता है कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखो क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि जिंजर इन्फेक्टेड है फिर वो अपने बेटे और अपनी वाइफ की स्टोरी भी ब्रिजिट को सुनाता है इसके बाद हम दोबारा से उस बच्चे को जिंजर के रूम में देखते हैं जो कि जिंजर पर अटैक कर देता है और वो जिंजर के बालों को तोड़कर कर वहाँ ऐसी चला जाता है और रात को चुपके से वो किले के एक आदमी को मार देता है और फिर उसके पास जिंजर के बाल जो कि रेड कलर के थे वो रख देता है ताकि सारा शक जिंजर पर ही आए और जब चीफ का बेटा और बाकी लोग वहाँ पर आते हैं तो वो डेड बॉडी के पास रेड कलर के बाल देख समझ जाते हैं की ये काम किसी और ने नहीं, नहीं बल्कि जिंजर ने किया है क्यूँकी उसके बाल भी तो रेड कलर के ही थे इसीलिए आधी रात को किले के लोग सोते हुए जिंजर को उठा कर ले जाते हैं और चीफ का बेटा ब्रिजिट को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर चीफ आ जाता है और वो अपने बेटे को गंदी खा कर वहाँ ऐसी जाने के लिए कहता है अब क्योंकि चीफ ने अपनी वाइफ को खो दिया था और अभी तक उसका बच्चा भी इन्फेक्टेड था तो उसकी सिचुएशन भी सेम ब्रिजिट जैसी ही थी क्योंकि ब्रिजिट के पेरेंट्स भी मर चुके थे साथ साथ अब उसकी बहन इन्फेक्टेड थी इसीलिए चीफ उनकी हेल्प करना चाहता है इसके बाद चीफ ब्रिजिट के साथ उन बाकी लोगों के पास जाता है और वो डॉक्टर को गोली मार देता है और वो बाकी सभी को भी वार्न करता है कि इन दोनों बहनों ऐसी दूर रहो तो इसीलिए सब चीफ की बात मान लेते हैं अब वहाँ के सारे लोग बड़े ही अजीब थे एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे फिर ब्रिजिट दोबारा से जिंजर को रूम में ले जाती है यहाँ पर जिंजर ब्रिजिट को बताती है कि तुम्हें याद है उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा था कि लड़की को मारो ताकि एक बहन दूसरी बहन को ना मार सके यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि उस लड़के इन इन्फेक्टेड बच्चे को मारो जिससे जिंजर यानी मैं इस इन्फेक्शन से बच जाऊँ इसीलिए जिंजर अब नाइफ लेकर उस बच्चे के पास जाती है जो इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी अपनी मदर की कब्र के पास बैठ कर रो रहा होता है यहाँ पर जिंजर उसे मार नहीं पाती लेकिन किले का एक आदमी उस बच्चे को ढूंढ लेता है इसीलिए वो उस बच्चे पर गोलियाँ चलाते हैं उधर ब्रिजिट के रूम में हंटर आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो लेकिन ब्रिजिट अपनी बहन जिंजर को यहाँ पर छोड़कर जाने वाली नहीं थी इसीलिए वो उस हंटर के साथ जाने के लिए मना कर देती है इसीलिए वो हंटर अकेला ही उस किले से चला जाता है बाहर हम चीफ के इनफेक्टेड बच्चे को देखते हैं जिसे किले के लोगों ने पकड़ लिया होता है और वो बस उस इन्फेक्टेड बच्चे को मारने वाले होते हैं और वो सभी लोग चीफ को बताते हैं कि अब ये तुम्हारा बेटा नहीं है बल्कि वो ही क्रिएचर है इसीलिए वो चीफ मजबूरन ना हुई खुद ही अपने बेटे को शूट करके मार देता है लेकिन इस बच्चे की मरने के बाद भी जिंजर का इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ था अब वो रिलीजियस वुमेन जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखी थी शायद वो कुछ और ही कहना चाहती थी अब वो चीफ दोबारा से अपने किले को सिक्योर करना चाहता था इसीलिए वो चुपके से जिंजर और ब्रिजिट को उस किले से बाहर निकाल देता है अब यहाँ उन्हें लग रहा था कि अब उनका किला सेफ है अब जिंजर और ब्रिजिट वहाँ से बाहर निकलती है और उनके साथ एक लड़का भी होता है जो इन दोनों की हेल्प कर रहा था उस हंटर को ढूंढने में लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है जिससे वहाँ पर फॉग भी आने लगती है अब यहाँ पर जिंजर को भूख लगने लगती है क्योंकि उसने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया था इसीलिए वो उस लड़के को मार देती है जो उनके साथ आया होता है और उसका खून पी लेती है इसके बाद ये दोनों बहनें उस हंटर को ढूंढते हुए शाम तक एक केव के पास पहुँचती है जिसके अंदर उन्हें वही रिलीजियस वूमे मिलती है जो की उन्हें मूवी के स्टार्ट में भी मिली थी तभी को इंसिडेंटली वो हंटर भी वहाँ पर आ जाता है और वो बूढ़ी औरत अभी भी वही बात कह रही थी कि उस लड़के को मारो ताकि एक बहन दूसरी बहन को ना मारे तो वो लेडी ब्रिजिट को अपना थोड़ा सा खून पिलाकर उसे विजन दिखाती है कि वो लड़का जिस बुरी औरत मारने का कह रही है वो कोई और नहीं बल्कि हंटर है और अगर ब्रिजिट ने हंटर को ना मारा तो उसे मजबूरन अपनी बहन को मारना पड़ेगा अब ब्रिजिट जो विजन से बाहर आती है तो देखती है कि भूख लगने की वजह से उसकी बहन जिंजर ने उस बुरी औरत को ही मार दिया है और जिंजर खुद भी कहीं चली गयी थी अब ब्रिजिट हंटर से बात किए बगैर अपनी बहन को ढूंढने लगती है यहाँ पर वो हंटर ब्रिजिट को फोर्स करता है कि अब हमें जिंजर को मारना होगा वरना तो वो किले में जाकर सभी को मार देगी और अभी भी वो किले की तरफ ही गई होगी इसीलिए तुम भी किले में जाकर मेरे लिए वेट करो और अब जैसे ही ब्रिजिट किले की तरफ जाने लगती है तो उसे वहाँ पर पकड़ लिया जाता है क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि अब तक ब्रिजिट भी इन्फेक्टेड हो चुकी होगी इसीलिए किले का एक फादर ब्रिजिट को बांध कर रखता है अब शाम तक वो लोग जिंजर का वेट करते हैं कि शायद जिंजर अपनी बहन ब्रिजिट को बचाने जरूर आएगी लेकिन जिंजर वहाँ पर नहीं आती इसीलिए फादर ब्रिजिट को जलाकर मारने वाला होता है कि तभी किले में आ जाती है तब चीफ का बेटा और गार्ड्स उसे काफी मारते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो गुस्से में आकर किले के सारे दरवाजे खोल देती है इसीलिए बहुत सारे क्रिएचर्स उसके साथ किले के अंदर आ जाते हैं जो कि एक एक करके सभी को मारने लगते हैं लेकिन फादर अभी भी ब्रिजिट को जलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी चीफ वहाँ पर आकर गोली चला कर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है इसके बाद चीफ उसे जला कर मार भी देता है अर्बल मोस्ट सारे ही लोग मारे जा चुके थे सिवाय चीफ हंटर जिंजर और ब्रिजिट के जिंजर तो वैसे ही क्रिएचर बनने वाली थी लेकिन उन तीनों में से जो हंटर होता है वो लगातार क्रिएचर को मार रहा होता है इसीलिए अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर देखते ही देखते चीफ भी इन्फेक्टेड हो जाता है इसीलिए वो पूरे किले में फ्यूल डालकर आग लगा देता है फिर वो खुद को शूट करके मार डालता है और अब सिर्फ तीन लोग ही जिंदा बचे थे जिंजर ब्रिजिट और वो हंटर यहाँ पर हंटर ब्रिजिट को कहता है कि अपनी बहन जिंजर को मार दो लेकिन तभी ब्रिजिट को उस रिलीजियस औरत की बात और वो विजन याद आता है कि लड़के को मारो यानी उस हंटर को इसीलिए ब्रिजिट हंटर को मार डालती है और दोनों बहनें बिल्कुल सही सलामत उस किले से निकल जाती हैं। वो पूरा किला जल जाता है लेकिन जिंजर अभी तक इन्फेक्टेड थी यानी उसमें से अभी तक वो इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ था लेकिन वो अपनी बहन ब्रिजिट से प्रॉमिस करती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें तो कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी तो वो दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग